लेकिन उसका प्रचार प्रसार करीब करीब एक साल पहले या दो साल पहले से जोर पकड़ा और ये प्रचार प्रसार जन आंदोलन के रूप में करीब छह महीना पहले से शुरू हुआ। सभी जन समूह के पास स्वच्छता में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, उसमें सबसे पहला कंडीशन शौचालय था। जब तक शौच बाहर होते रहेगा, चाहे कितने स्वच्छता अपना लिखे, घर में झाड़ू दे दीजिए, आंगन में झाड़ू दे दीजिए, पानी दे दीजिए, लेकिन शौच बाहर जाते रहेगा तब तक शौच गांव नहीं बनेगा। इसलिए पहला शर्त था कि सबसे पहले हर घर में शौचालय बने। शौचालय के बाद आगे का कार्यक्रम में अन्य चीज जुड़ी है। अन्य चीज में जैसे कि गोबर है, गोबर का निपटान कैसे करना है, क्या है, किस जगह रखना है, गोबर कूड़ा करकट है किस जगह रखना है, वो ओडीएफ प्लस में आएगा। वो सबसे पहले तो ओडीएफ का मसला है, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त, खुले में शौच से मुक्त पहले परिवार होता है, उसके बाद गांव होता है, उसके बाद वार्ड होता है, उसके बाद पंचायत होता है, उसके बाद प्रखंड होता है, उसके बाद जिला होता है, अंतर राज्य स्तर पर पहुंचता है। तो शुरुआत वो भी होगा परिवार के माध्यम से होगा। और परिवार में जो व्यक्ति विशेष है उसको ये जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि स्वच्छता के लिए शौचालय बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग जब शुरुआत में जब गांव गांव जाते थे, घर घर जाते थे, तो समझाने का प्रयास करते थे कि शौचालय कितना जरूरी है, शौचालय से क्या हानि हो सकता है, शौचालय बनने से क्या लाभ हो सकता है, तो समझाने का प्रयास करते। तो बहुत सारे आदमी समझा, बहुत सारा आदमी नहीं समझा। तो जो समझा वो आगे आ गया कि हमने समझ लिया कि शौचालय बनना कितना आवश्यक है, हम लोग आपके साथ। तो शुरू शुरू उस लोग को साथ लिए, प्रबुद्ध जन को साथ लिए, चलो भाई आप समझ गए हैं, आप बना लिए हैं, जो नहीं बनाया है उसको समझाना है। तो समाज में जो ये परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन एकाएक सब घर में नहीं हो जाता है, सब आदमी के मन में नहीं हो जाता है। पहले कुछ आदमी समझता है, वो आगे आता है, वो फिर मसाल को आगे ले जाता है, अंततः पूरा समाज में फैल जाता है। क्योंकि ये परंपरा रही, ये पुरुति रही, हमारे बाप दादा सदियों से, हजारों वर्षों से बाहर ही शौच करते आ रहे हैं। और ये परंपरा जो थी, ये पुरुति जो थी, अभी के समय में, आधुनिक समय में ये देखा गया कि बाहर में शौच करने से कितना प्रदूषण होता है, कितना बीमारी होता है, ये अभी के वैज्ञानिक दौर में समझा गया। तब यह आवश्यकता महसूस की गई कि सबसे पहले शौचालय बनाइए, उसके बाद उसे जो फायदा होता है बहुत बड़ा फायदा है। तो उसके लिए सरकार एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस रखा कि पहले क्या करना है, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम शौचालय बनाएंगे, शौचालय का गड्ढा कितना